फेस को क्लींजिंग करने के लिए सबसे आसान तरीका डी आई वाई एलोवेरा और मुल्तानी मिट्टी, जो आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लींजिंग करता है, आपके रिंकल्स को दूर करता है, आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपके ऑयल को रिड्यूस करता है। इसका यूज़ करके आप आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी स्किन को नरिश करती है और स्किन को अंदर तक मॉइस्चराइज करती है। इसका इस्तेमाल करके आप आपकी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल कंट्रोल कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी स्किन के पोर्स को या पोर्स के अंदर मौजूद ऑयल को कंट्रोल करता है। अब इस तैयार मिक्सचर को अपने फेस पर अप्लाई करें। ये आपके सेकेंड स्टेप एलोवेरा आइस क्यूब। ओपन पोर्स को दूर करने के लिए हम एक ऐसे आइस क्यूब के द्वारा पैक बनाएंगे जो आपके ओपन पोर्स या लार्ज ओपन पोर्स को कंट्रोल करता है। सबसे पहले हम एक कप प्लेन वाटर लेंगे और उसमें फ्रेश एलोवेरा जूस डालेंगे 4 टेबल स्पून। अब उसमें हम 1 टेबल स्पून कोकोनट मिल्क डालेंगे। आप फ्रेश कोकोनट से भी मिल्क निकाल के डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम इसे ट्रे में डाल देंगे और इसे 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब ये क्यूब्स रेडी हैं। आप रोज़ एक क्यूब्स अपने फेस पर अप्लाई करें और इसे मसाज करें और फिर धो लें 10 मिनट बाद। एलोवेरा स्किन को हाइड्रेट रखता है। स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें दूर करता है। जैसे पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स को हल्का करता है। स्टेप 3, टर्मरिक एलोवेरा जेल पैक। ये आपके स्किन को ब्राइट करता है। सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून एलोवेरा लेंगे। एलोवेरा का यूज़ डेली करने से स्किन में निखार आता है, स्किन शाइन होती है, ब्राइट होती है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे आप अपने फेस पर डेली अप्लाई कर सकते हैं। इसे एक कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में 1 हफ्ते के लिए रख सकते हैं। यह आपके रिंकल्स को, फाइन लाइंस को और आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है। ये डार्क स्पॉट्स को कम करता है। इसके बाद हम बनाएंगे स्टेप 4, DIY राइस टर्मरिक वाटर। इसमें हम अच्छी क्वालिटी का राइस लेंगे और इसे अच्छे से 2 बार वॉश कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 ग्लास वाटर लेंगे। और 1 टेबल स्पून राइस डालेंगे। और इसे 2 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। अब हमारा राइस वाटर रेडी है। इसे हम एक ग्लास जार में स्टोर करेंगे। इसमें हम 1/2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे
इसे आप दिन में 3 बार अपने फेस पर स्प्रे करें और छोड़ दें दिन भर के लिए। इट्स हेल्प टू श्रिंक लार्ज ओपन पोर्स एंड मेक योर स्किन लुक फॉर्म एंड टाइट। स्किन ग्लोइंग ड्रिंक, इसे तैयार करने के लिए हम 1/2 कप पानी लेंगे, 1/2 टेबल स्पून डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें आप कैरेट जूस भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसे पीने से आपकी स्किन हाइड्रेट होती है और स्किन में ग्लोइंग स्किन आती है, स्किन ग्लोइंग होती है। इसका यूज़ डेली करने से आपकी स्किन पे अलग ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा। अब हम बनाएंगे विटामिन ई और एलोवेरा नाइट क्रीम फॉर रिंकल्स। सबसे पहले हम एलोवेरा लेंगे 1 टेबल स्पून अब इसमें हम विटामिन ई ऑयल डालेंगे या विटामिन ई ऑयल कैप्सूल डालेंगे 1 कैप्सूल 1 टेबल स्पून एलोवेरा के लिए बहुत है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे आप रोज़ रात में अप्लाई करके रात भर के लिए सो जाएं। इसे आप 4 वीक्स के लिए स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। यह आपके रिंकल्स को दूर करता है। इसको आप आई रिंकल्स को दूर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है वैसलिन टर्मरिक 4 स्ट्रेच मार्क्स। इसको बनाने के लिए हमें पेट्रोलियम जेली की ज़रूरत होगी। इसमें हम 1 टेबल स्पून वैसलीन लेंगे। अब इसमें हम टर्मरिक का यूज़ करेंगे। इसमें हम 1/3 टर्मरिक डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इस क्रीम को अपने स्ट्रेच मार्क्स में लगाकर ओवरनाइट के लिए रखें। आप खुद देखेंगे 15 दिनों में कि आपके मार्क्स हल्के से दिखने लगेंगे और इसे आप दूसरी सुबह धो लें। DIY बीटरूट जेल पिंक ग्लोइंग स्किन। टेक अ फ्रेश बॉइल बीटरूट, इसे अच्छे से पील ऑफ करके वॉश करके छोटे छोटे से पीस बना लें। बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस करें। आप इसे मिक्सर जार में भी ग्राइंड कर सकते हैं। फाइन पेस्ट बना लें इसका। फाइन पेस्ट बनाने के बाद अब इसका हम यूज़ करेंगे। जब पेस्ट बन जाएगा तो इसे हम वन टेबल स्पून बीटरूट पेस्ट लेंगे और 1 टेबल स्पून एंड 2 टेबल स्पून एलोवेरा लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करें। इसमें टी ट्री ऑयल फ्यू ड्रॉप्स डालें। और इसे एक एयर टाइट ग्लास कंटेनर में स्टोर करके रख लें।
इसे हम फ्रिज में एक हफ्ते के लिए रख सकते हैं। इसे अप्लाई करने के बाद 2 घंटे अपने फेस पे रहने दें और वॉश कर लें। आप देखेंगे कि आपके फेस पिंक एंड ग्लोइंग दिखने लगेगा। ये आपके रिंकल्स को भी दूर करता है, आपकी स्किन को बाउंसी बनाता है, प्लम्पी बनाता है, अगर आप इसका डेली यूज़ करेंगे तो।